नौजवानों की तरफ से कह रहा हूं, नौजवानों की तरफ से कह रहा हूं कि हम वो आशिक है जो गुलाब को कमल बना देंगे। श्री अभिषेक वर्मा जी का, एसडीएम साहब जी का, एसीआर साहब जी का, पूरे प्रशासन का, जिन्होंने मुझे ये मंच प्रदान किया कोरोना काल के बाद आज आना हुआ। मैं चंद गीत आपको अपने सुनाऊंगा। सोनी करी
और किसी भी आईने में चेहरा देर तक नहीं रहता। बड़े लोगों से मिलने का हमेशा फासला रखना, क्योंकि जब दरिया समंदर में मिलता है तो वो दरिया नहीं रहता। Thank you.
Thank you.
रोजी शर्मा को अभी हम सुन रहे थे। रोजी जी, लाभा ठामो जी ने आपको 1100 रुपए दिए हैं। यदि किसी ने 1100 रुपए दिए तो आप कम से कम तालियां तो दे दो। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। एक और बेहतरीन गायिका इश्क राजन हमारे बीच आ रही है। ये भी बहुत बढ़िया गाती है, इनके लिए भी ढेर सारी तालियां होनी चाहिए। आप सभी का धन्यवाद, और इस दिन मिस्टर जीवा जी का, मिस्टर अजय कल्याण जी का जो मुझे यहाँ
इनके लिए जोरदार ताली। कि पलट कर देख जालिम तमन्ना हम भी रखते हैं, इनके लिए कह रहा हूं कि पलट कर देख जालिम तमन्ना हम भी रखते हैं, यदि तुम मेकअप करते तो शेव हम भी करते हैं। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद एक बहुत ही वरिष्ठ कलाकार हमारे बीच में आपकी स्पीति की कुछ स्पीति गाने लेकर हमारे दरबार रही है। इनकी हौसला अफजाई के लिए मैं चाहूंगा आप ढेर सारी तालियां बजाएं। आवाज दे रहा हूं
थैंक यू जोरदार तालियां दोलमा जी को स्पीकर से की नौ जा रहे हैं बेहतरीन गायिका आजकल उनके गानों को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं मंच पर मैं आवाज दे रहा हूं कि नौ की वो बहुत ही खूबसूरत हसीना मीठी आवाज के मार के सुषमा नेगी को
सुषमा देवी के लिए श्रोता था। राज्य स्तरीय नादर्चा मेले की आज पहली सांस्कृतिक संध्या है। आज हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए, हम सभी का हौसला अफजाई करने के लिए मंच पर मैं देख रहा हूँ मुख्य अतिथि के तौर पर शिक्षक कर रही है तकनीकी शिक्षा मंत्री हिमाचल प्रदेश, बहुत ही वरिष्ठ नेता, लोगों के दिलों की धड़कन, विकास के मसीहा और लोगों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले डॉक्टर रामलाल मार्कंडा जी हमारे बीच में तशरीफ फरमा है। जोरदार तालियां आनी चाहिए इनके लिए। शायराना अंदाज में कहूंगा, ये मेरी दिल की आवाज इनके लिए है। एक मिनट, एक मिनट, आपने वावा करना है कि जिसकी जरा सी याद से जिंदगी खुशियों से भर जाती है। थैंक यू सो मच। इधर वाले भी वावा कर सकते हैं भाई, मार्कंडा जी बहुत कुछ कर रहे हैं। जिसकी जरा सी याद से जिंदगी खुशियों से भर जाती है, जिसके दीदार से चेहरे पर रौनक आ जाती है। सदा सलामत रखना है मालिक अपने इस फरिश्ते को, सेवा करते हैं, यही हमारी कामना है, दुआ है। धर्म कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सीधे अब हम धर्मशाला जा रहे हैं। हाई जैकर्स ग्रुप धर्मशाला के कलाकार, प्रदेश के मंच पर धमाल मचाने वाले के कलाकार, मंच पर मैं आवाज दे रहा हूं मैं ईशा को। हाई जैकर्स नेपाली गाना कौन कौन सुनना चाहेगा? क्या बात, तो लीजिए नेपाली गाना।
जोरदार ताली ईश्वर जी के लिए कि मेरे प्यार को बेवफाई का इनाम दे गई, मेरे प्यार को बेवफाई का इनाम दे गई, मेरे दिल को अपनी यादों का पैगाम दे गई। मैंने कहा इस दिल में डौठे तेरे बिना, कम वक्त जाते जाते झंडू बांध दे गई। जोरदार ताली इनके लिए। आइए एक बेहतरीन आवाज इसके बाद मंच पर मैं दावा दे रहा हूं, फॉर्म की ये विजेता रह चुकी है। इसके अलावा हर मंच पर इनकी आवाज सुनने को मिलती है, बेहतरीन आवाज इनकी है, तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए दासगुप्त का। और धीरे धीरे हम उस मुकाम पर पहुंचने वाले हैं जहां हमें इंतजार है। हार्मनी ऑफ द फ्लाइंग्स हिमाचल प्रदेश पुलिस ऑफिसर का मैदान हमारे बीच में। Oh
गुजराती गाना गाऊंगी, लोग अच्छा लगेगा मुझे आशा है, तो सब डांस करेगा प्लीज।
बस भाई थोड़ा सा इंतजार और है, उसके बाद हारमोनी ऑफ द माइंड सीमाचल प्रदेश पुलिस ऑर्केस्ट्रा बैंड हमारे दल में होगा, उनके लिए जोरदार तालियां। इतनी तालियों से बात नहीं बनने वाली है, सभी लोग उनके लिए तालियां बजाएंगे। पूरे हिंदुस्तान में हिमाचल प्रदेश का नाम उन्होंने रोशन किया है। इसके बाद हमारे बीच में कलाकारों के बहुत खूबसूरत फिल्म, बहुत आकर्षक फिल्म परिधान है, पारंपरिक वेशभूषा में सच सच कर ये कलाकार कुछ छोटे हैं, कुछ उनसे थोड़े से बड़े हैं, कुछ बड़े हैं, बड़े हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, बहुत अच्छा मिश्रण कलाकारों का। और एक बहुत ही बेहतरीन ये प्ले नाटक और डांस इस मंच पर प्रस्तुत करने वाले मुख्य ये सारे कलाकार हैं, दिल खोल के इनके लिए तालियां होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि सारी तैयारियां उस नाटक और डांस के लिए हो रही है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना बेहतरीन नाटक इन सभी कलाकारों ने तैयार किया है। और जब आप उन कलाकारों को देखेंगे, जैसे मैंने पहले कहा, कुछ बहुत छोटे छोटे हैं, कुछ थोड़े बड़े हैं, कुछ जवान हैं, कुछ उनमें नौजवान हैं, सभी एक से बढ़कर एक ही कलाकार हैं। राजा थे और दान में उन्होंने अपनी पत्नी तक को दान कर दिया था, इतने वो दानी थे। वो सब कुछ इस मंच पर वो आप प्रदर्शन करने वाले हैं। तो आइए, सारी औपचारिकता मुकम्मल हो चुकी है, जोरदार